Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, last video में हमने chapter number 9 complete किया था. Now today I will teach and explain new chapter. Our chapter number is 10, motions and measurements of distance. Motions and measurements of distance में हम कुछ टॉपिक्स रीड्स करेंगे. मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 10 में कुछ रिमेंबर पॉइंट्स दिखा रही हूँ. टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट्स. अर्ली पीपल्स के लोग, यानी पहले के ओल्ड जनरेशन्स जो था, जो अर्ली पीपल, पहले के ज़माने के लोग, ट्रांसपोर्ट्स का, जब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो उस टाइप्स के लोग कैसे ट्रांसपोर्ट्स की फैसिलिटीज़ का यूज़ करते थे, और 19 और 20 सेंचुरी में लोग कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशंस. ट्रांसपोर्ट्स का सिस्टम कैसे एवोल्यूशंस हुआ, उसका इन्वेंशंस कैसे हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे. डिस्टेंस एंड लेंथ. व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड लेंथ. ये डिस्टेंस और लेंथ क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे. मेजरमेंट्स के बारे में देखेंगे. स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. नीड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट्स. मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशंस. ये सारे टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स के अंदर. ओके, टुडे आई विल एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स. ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशंस, डिस्टेंस एंड लेंथ. आज हम 3 टॉपिक्स, ये 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के अंदर के 3 पॉइंट्स आज हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट्स. फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्या है. इट इज मैकेनिज्म इन विदिन अ थिंग्स इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक मैकेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है. जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, जो हमें वन प्लेस से अनदर प्लेस पर रीच करती है, हमें कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है, वो किसके थ्रू बनाया जाता है. एक मैकेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है. ये ऐसी थिंक है, ऐसी चीज है जो हमें कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ थिंग इज कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सी द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. अवर सेकेंड पॉइंट इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशंस. कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशंस है. लॉन्ग एगो पीपल्स डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट नाम का कोई सिस्टम ही नहीं था स्टूडेंट्स. दे यूज टू मूव ओनली ऑन फूड एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक एंड लेटर ऑन दे बिगैन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट्स. पहले के जो ज़माने के लोग थे, जो अर्ली पीपल थे, जो हमसे पहले आए हुए थे स्टूडेंट्स, वो क्या करते थे. उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं थी. वो क्या यूज़ करते थे, फूड का यूज़ करते थे. एक जगह से वन प्लेस टू अनदर जाने के लिए फूड का यूज़ करते थे, और उनके जो गुड्स होते थे, जो माल सामान होता था, वो अपने बैक पर, अपने पीठ के ऊपर कैरी कर कर ले जाते थे. लेटर ऑन, फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, दे बिगेन टू यूज़, उन्होंने क्या यूज़ करना चालू किया, एनिमल्स को यूज़ करना चालू किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है. तो एनिमल्स को यूज़ करना, जैसे कि बुलक कार्ट्स है, कैमल कार्ट्स है, ठीक है, इन लोगों के थ्रू उन्होंने अपने माल सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम किया, स्टार्टिंग किया. नाउ इन द अर्ली टाइम्स लैंड ट्रांसपोर्ट वॉज डन यूजिंग एनिमल्स. अर्ली ट्रांसपोर्ट्स में ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम्स था, वो एनिमल्स और हुमन्स के बैक के ऊपर, हुमन्स की जो बैक होती है, पीठ होती है, उसके ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता था ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वाइल फिर उसके बाद आया वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है. वाटर ट्रांसपोर्ट्स में वुडन लॉग्स, जैसे कि लकड़ियाँ होती हैं, उनको ढोने का काम, उनको कैरी करने का काम, उनको कैरी करने का काम किसने स्टार्ट किया, वुडन की एक बोट बनाई गई, ठीक है. तो जैसे कि फिश होती है, फिश के शेप्स को देखकर अर्ली पीपल्स लोग थे, पहले के ज़माने के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक थिंकिंग आई
कि जैसे फिश का शेप होता है उसी फिश के शेप से उन्होंने क्या किया, बनाना स्टार्ट किया, वुडन का बोट्स बनाए, लकड़ी का बोट्स बनाए, लकड़ी की नाव बनाई उन्होंने, ठीक है। उस नाव के ऊपर से फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाटर के अंदर से उन्होंने चालू किया। आफ्टर द इन्वेंशंस ऑफ व्हील, जब व्हील की इन्वेंशंस हुआ फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, रोड्स, बोट्स, ठीक है, उन्होंने रोड्स वाटर का, वाटर के अंदर बोट्स का यूज़ किया। बोट्स वेयर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड्स, उन्होंने सिंपल तरीके से लॉक्स का, लकड़ियों का यूज़ करके वुड से एक बोट्स बनाई, ठीक है, फिर उसमें हॉल किए कैविटी के थ्रू। फिर इन्वेंशंस ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जब व्हील का इन्वेंशंस हुआ, जब व्हील की खोज हुई, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट्स के अंदर एक चेंजेस लाए। जब व्हील की इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज हुई, तो ट्रांसपोर्ट्स के अंदर उन्होंने एक चेंजेस किया, एक मोड्स चेंजेस किया। द डिजाइन ऑफ वूल वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल अ कार्ट्स दैट मूव्स ऑन व्हील्स, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, उस व्हील के, व्हील का, व्हील को यूज़ किया एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से व्हील का यूज़ करके उन्होंने इस तरीके से बुलक कार्ट्स बनाए, कैमल कार्ट्स बनाए, साइकिल्स वगैरह बनाए। तो इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे स्टार्टिंग किया। अनटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंड्स ऑन एनिमल्स। 19th सेंचुरी में जो पीपल्स थे, ठीक है, उस सेंचुरी के जो पीपल्स थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए, एनिमल्स, बोट्स, शिप के ऊपर डिपेंडेंट थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए। द इन्वेंशंस ऑफ स्टीम इंजन, व्हील के इन्वेंशंस के बाद स्टीम इंजन की इवोल्यूशंस हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशंस हुआ, ठीक है। स्टीम इंजन लेड टू डेवलप ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। फिर स्टीम इंजन ने एक और ट्रांसपोर्ट्स के अंदर मोड्स लाए, एक और परिवर्तन आया ट्रांसपोर्ट्स के अंदर, एक और चेंजेस आया जब स्टीम इंजन की इन्वेंशंस हुआ। स्टीम इंजन से क्या ट्रांसपोर्ट्स के अंदर चेंजेस आया, रेल रोड्स बनाई गई, वी आर मेड फ्रॉम स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के थ्रू रेल रोड्स बनाई गई, ठीक है। इस तरीके से ड्राइव एंड कैरिज एंड वैगन्स, ठीक है, कैरिज और वैगन्स को ड्राइव करने के लिए स्टीम इंजन की खोज हुई। लेटर कैम यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम। ये नहीं है स्टूडेंट्स, सॉरी, पेज नंबर 96 पर। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, सच मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, मोटर्स, राइस बोट्स एंड शिप वगैरह, इस तरीके से का यूज़ करके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑन वाटर्स का यूज़ किया। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw द डेवलपमेंट ऑफ 1900s के आफ्टर क्या हुआ, एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ। दिस वियर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। इसके इम्प्रूवमेंट से पैसेंजर कैरी और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चालू किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई गई, मोनोरेल बनाई गई स्टीम इंजन्स के बाद, एरोप्लेन्स का, एरोप्लेन्स का यूजनेस इन्वेंशन होने के बाद काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन थिंग्स आए, जिसमें बहुत सी सारा डेवलपमेंट हुआ जो इलेक्ट्रिकनिक्स से चलते थे, ट्रेन, मोटर रेल्स, फिर सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, फिर स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये सारे जो ट्रेन, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, ये सब कब आए, 20th सेंचुरीज में आए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया 19 और 20 सेंचुरीज में क्या हुआ। आफ्टर द इन्वेंशंस ऑफ व्हील, बुलक कार्ट, इस सारे के इन्वेंशंस होने के बाद 19 और 20 सेंचुरी में बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, जेट, स्टीम, मोटर बोट्स, ये सारे चीज़ों का खोजनेस हुआ, ठीक है, इन्वेंशंस हुआ ये सारी चीज़ों का। हमारा थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एंड लेंथ। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज द लेंथ ऑफ द स्पेस। ये एक ऐसी लेंथ ऑफ स्पेस है स्टूडेंट्स
बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्सों के बीच का ऐसा लेंथ और स्पेस है, और बिटवीन टू प्लेस, और दो जगहों के बीच का ऐसा प्लेस और लेंथ है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके हम वन प्लेस से अदर प्लेस पर जाते हैं, ठीक है, तो वो दो प्लेसों का कितना लेंथ, कितना डिस्टेंस है, उसे फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का अंतर और दो पॉइंट्स के जगह का अंतर का जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू प्लेस, बिटवीन टू पॉइंट्स और टू प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे हमने थ्री पॉइंट्स आज देखे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशंस एंड डिस्टेंस। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। अदर्स टॉपिक्स और पॉइंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।